लेक्चर में एलपीपी लीनियर मींस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के प्रॉब्लम्स ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। मीन जेड इज इक्वल टू 2x1 + 4x2 सब्जेक्ट 2, 6x1 + x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, x1 + 4x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 12, 2x1 + x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। तो ये हमें प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं। तो पहले यहाँ पर सब्जेक्ट टू मीन्स ये जो तीन इक्वेशंस हैं वो हमें उसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट। तो उन्होंने ये तीन इक्वेशंस दिए हैं, तो वो पहले तीन इक्वेशन इनइक्वालिटीज़ में है। मीन्स यहाँ पर ग्रेटर देन साइन उन्होंने यूज़ किए, अदरवाइज लेस देन भी साइन हो सकती है। तो हम पहले उसको इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो पहली स्टेप, कन्वर्ट कंस्ट्रेंट इनटू इक्वालिटीज़। तो पहली लाइन 6x1 + x2 इज इक्वल टू 18, x1 + 4x2 इज इक्वल टू 12। सिंपली यहाँ पर मैंने जो ग्रेटर देन साइन है वो निकाल कर यहाँ पर इक्वल टू साइन पुट किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये जो दिए हुए इक्वेशन है उसको हम लाइन कहते हैं, वो जो लाइन है वो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है। और थर्ड लाइन 2x1 + x2 इज इक्वल टू 10। तो इस पहले इक्वेशन को मैं L1, दूसरे इक्वेशन को L2 और तीसरे इक्वेशन को मैं L3 एज अ लाइन एज अ ट्रीट कर रही हूँ। तो पहली L1 जो है लाइन x1 + x2 इज इक्वल टू 18, इसके मैं पहले पॉइंट्स निकालूंगी, क्योंकि मैं आपको बार बार वही बता रही हूँ, क्योंकि हमें ये ग्राफिकली ड्रॉ करना है तो हमें पॉइंट्स चाहिए लाइन के। तो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, पहले x1 के जगह पर मैं 0 पुट कर दूंगी। तो यहाँ पर 6 × 0 + x2 इज इक्वल टू 18, तो मेरा x2 का पॉइंट यहाँ पर डायरेक्टली आ रहा है। तो पहला पॉइंट आया मेरा 0, 18। सिमिलरली पुट x2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 6x1 + 0 इज इक्वल टू 18, 6x1 इज इक्वल टू 18, तो x1 आएगा हमारा 3। तो मुझे दूसरा पॉइंट मिला 3, 0। तो पहले लाइन के मुझे दो पॉइंट्स मिले हैं, 0, 18 और 3, 0। वैसे ही मैं सेकेंड लाइन के लिए पॉइंट निकालने वाली हूँ अभी, x1 + 4x2 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले किया था वैसे x1 के जगह पर 0 पुट करूँगी, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3। तो पहला पॉइंट आया 0, 3, और अभी x2 की जगह पर 0 पुट करूँगी तो मुझे यहाँ पर डायरेक्टली x1 पॉइंट मिल रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने अगर 0 पुट किया तो डायरेक्टली मुझे x1 पॉइंट मिल रहा है 12। तो सेकेंड पॉइंट आया मेरा 12, 0। हम रिप्रेजेंट करते समय x1, x2 इस फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट करेंगे। हम थर्ड लाइन जो है हमारी थर्ड लाइन के भी पॉइंट्स निकालेंगे, 2x1 + x2 इज क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर x2 हमें डायरेक्टली मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर x1 की जगह पर 0 पुट कर दिया है। तो मेरा पहला पॉइंट आया 0, 10, और अभी मैं x2 इज इक्वल टू 0 पुट करूँगी, x2 इज इक्वल टू 0 मीन्स 2x1 + 0 इज इक्वल टू 10। तो x1 मुझे मिला 5, तो मेरा सेकेंड पॉइंट आया 5, 0। अभी मैंने यहाँ पर जो उन्होंने तीन इक्वेशंस दिए थे उस तीनों भी इक्वेशंस के पॉइंट निकाल दिए हैं, उस पॉइंट के मदद से मैं अभी ग्राफ ड्रॉ करने वाली हूँ। ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप ग्राफ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप बुक पर इक्वल मेजरमेंट लेकर ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हमारी लाइन थी, उस लाइन के यहाँ पर पॉइंट्स हैं 0, 18 मीन्स ये पॉइंट मेरा वाई एक्सिस पर आएगा, और यहाँ पर 3, 0 एक्स एक्सिस पर आएगा। ये मैंने दो पॉइंट प्लॉट कर दिए, अब ये दो पॉइंट मैं ज्वाइन कर दूंगी तो मेरी लाइन आ जाएगी
यहाँ पर मैं लाइन को नाम भी दे देती हूँ। L1 हमारी फर्स्ट लाइन थी, 6x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इसके लिए यहाँ पर उन्होंने साइन यूज़ की है ग्रेटर दैन इक्वल टू। अगर आपको ग्रेटर दैन इक्वल टू हो तो हमें लाइन जो है उसका ये बाहर का पार्ट फील करना होता है, और लेस दैन इक्वल टू हो तो हम अंदर का पार्ट फील करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ग्रेटर दैन इक्वल टू बोला है तो मैं लाइन का बाहर का पार्ट फील करने वाली हूँ। ग्रेटर दैन इक्वल टू हो और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू हो तभी हम बाहर का पार्ट ड्रॉ कर फील करते हैं। सिमिलरली मैं सेकेंड लाइन के पॉइंट्स भी प्लॉट कर रही हूँ। सेकेंड लाइन के पॉइंट है 0.3, मैंने यहाँ पर दो दो सेंट टू टू पॉइंट्स का डिफरेंस लिया है, 12.0। तो ये दो पॉइंट मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रही हूँ, तो मेरी सेकेंड लाइन आ गई, एक्स वन प्लस फोर एक्स टू इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर भी उन्होंने ग्रेटर दैन इक्वल टू साइन यूज़ की है, तो यहाँ पर भी मैं लाइन का ये बाहर का पार्ट फील करने वाली हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, हम निगेटिव पॉइंट नहीं फील करेंगे क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कंडीशन दी है x1 और x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो हमें सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही चाहिए। उसके बाद हमें थर्ड लाइन के लिए भी मैं पॉइंट्स प्लॉट कर देती हूँ। पहला पॉइंट है 0.10 और सेकेंड पॉइंट है 5.0। इस लाइन का भी मैं थर्ड लाइन को मैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ, यहाँ पर L3 इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। तो इस लाइन का भी मैं यहाँ पर ग्रेटर देन साइन यूज़ किया है, इसलिए बाहर का पार्ट फील कर रही हूँ। तो हमें यहाँ पर फिजिबल रीजन निकालना है। फिजिबल रीजन निकालना है मीन्स ये जो हमने तीनों लाइन प्लॉट की, तीनों लाइन जो हमने ड्रॉ की है, उस तीनों लाइन का कॉमन रीजन हमें निकालना है। तो पहली लाइन का ये वाला पार्ट आएगा, दूसरी जो लाइन है उसका ये वाला सारा पार्ट आ जाएगा, और तीसरी जो लाइन है उसका ये वाला सारा पार्ट आएगा। तो कॉमन पार्ट कौन सा होगा? तो ये जो है बाहर का, ये बाहर का सारा कॉमन रीजन होगा आपका सभी लाइन्स का। मुझे ऐसा रीजन फाइंड आउट करना है जो तीनों भी लाइन फील कर रही है। तो ये मेरा पहला पॉइंट हुआ, ये मेरा सेकेंड पॉइंट हुआ, ये मेरा थर्ड पॉइंट हुआ, और ये मेरा फोर्थ पॉइंट हुआ। तो यहाँ पर मुझे पहला वाला जो ए पॉइंट है, ये मेरा फिजिबल रीजन के लिए जो मुझे पॉइंट मिल रहा है इसको मैंने नाम दे दिए ए बी सी और डी। तो मुझे पहला वाला पॉइंट वो डायरेक्टली मिल रहा है, वाई एक्सिस पर है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिखूँगी 0.18। उसके बाद ये जो मेरा बी पॉइंट है, अगर आपको ये बी पॉइंट डायरेक्टली मिल रहा है तो आप वो पॉइंट डायरेक्टली पॉइंट जो आपको मिल रहा है वो लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये पॉइंट्स डायरेक्टली नहीं मिल जाते, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी हम देखने वाले हैं। और देखो ये सी पॉइंट भी मुझे यहाँ पर डायरेक्टली इतना क्लियर नहीं दिख रहा है कि कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे हम करेक्ट पॉइंट निकालेंगे। और यहाँ पर देखो ये डी पॉइंट मुझे यहाँ पर डायरेक्टली मिल रहा है क्योंकि वो एक्सिस पर ही है, 12.0। तो यहाँ पर मुझे ये दो पॉइंट्स है बी और सी, वो डायरेक्टली एग्जैक्टली नहीं मिल रहे कौन से है। तो ये दो पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर पॉइंट बी, तो ये मुझे पॉइंट बी के लिए कौन से दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखो ये मेरी L1 लाइन है और ये मेरी L3 लाइन है। तो मुझे फॉर पॉइंट के लिए, फॉर पॉइंट बी के लिए L1 एंड N3 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। तो L1 और L3 लाइन के में इक्वेशन जो है, तो L1 और L3 लाइन के जो इक्वेशंस हैं वो मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूंगी। 6x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 18 और सेकेंड लाइन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर x2 सेम है तो आप माइनस कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन में सॉल्व कर रहे हो। 6x1 माइनस 2x1 तो यहाँ पर आएगा 4x1, यहाँ पर आएगा
10, 18 माइनस 10, 8, तो x1 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पर 2, तो ये 2 ये वैल्यू जो मुझे मिल रही है वो मैं कौन से भी इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम, 6 सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ मैं, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू यहाँ पर मैंने 2 पुट कर दी, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू आ रही है 6। मीन्स पॉइंट B के लिए मुझे कौन कौन से पॉइंट मिले, तो पहला पॉइंट मिला मुझे 2 x1 और सेकेंड पॉइंट जो है वो मुझे मिल रहा है 6। वैसे ही हम पॉइंट फॉर पॉइंट C के लिए कौन से दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो देखेंगे। ये देखो यहाँ पर ये मेरा पॉइंट C है, उस पॉइंट के लिए मुझे L3 और L2 ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट होकर ही मुझे पॉइंट C मिल रहा है। तो फॉर पॉइंट B लाइन L2 एंड L3 आर इंटरसेक्ट, तो ये दो लाइंस के मैं इक्वेशन साइमल्टेनियस से सॉल्व कर दूंगी, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 और x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट सेम नहीं है, तो यहाँ पर मैं किसी भी पॉइंट को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं सेकेंड लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आ रहा है 2x1 प्लस 8x2 इज इक्वल टू 24। अभी ये दो लाइन में साइमल्टेनियस से सॉल्व कर देती हूँ, 2 सेम है इसलिए मैं माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ। उसके बाद x माइनस 8x2 तो आ जाएगा मुझे, आ जाएगा यहाँ पर माइनस 7x2, 10 माइनस 24 तो आ जाएगा माइनस 14, x2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2, और ये वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ x2 की वैल्यू, x1 प्लस 8 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू हमें आ जाएगी 4। तो पॉइंट C के लिए मुझे कौन कौन से पॉइंट मिले, x1 मिला 4 और x2 मिला 2। यहाँ पर मैंने ये जो मैंने स्टेप बताई है वो आप एग्ज़ाम में स्किप भी कर सकते हैं। कभी जब आपको ये पॉइंट डायरेक्टली ग्राफ पर दिख रहे हो, कहाँ पर आ रहे हैं, एग्जैक्ट मिल रहे हैं तभी, लेकिन आपको जब एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट निकालना है, तब ये स्टेप कर एग्जैक्ट पॉइंट निकाल सकते। तो अभी मेरा ये फिजिबल रीजन था A, B, C और D, उसके मैंने पॉइंट्स निकाल दिए। अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर फिजिबल रीजन है, इन फिजिबल रीजन A, B, C, D, तो यहाँ पर मैंने A, B, C, D के पॉइंट जो मैंने अभी निकाले हैं फिजिबल रीजन, जो अभी मैंने पॉइंट यहाँ पर निकाले हैं, वो पॉइंट में जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहता है मैक्स अदरवाइज मीन, तो यहाँ पर मीन दिया है, तो मीन Z 2x प्लस 4x2 ये जो हमें इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन में हम वो फिजिबल रीजन के जो पॉइंट है वो पुट कर आंसर निकालने वाले हैं। तो मीन Z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2, तो यहाँ पर ए पॉइंट 0.18, बी पॉइंट मुझे मिल रहा है अभी हमने निकाला है 2.6, सी पॉइंट है हमारा 4.2 और फाइनल डी पॉइंट है हमारा 12.0। तो ये जो पॉइंट है वो मैं इस इक्वेशन में पुट करने वाली हूँ, 2 × 0 प्लस 4 × 18 72 मिल रहा है, उसके बाद 2 × 2 जो मेरा पॉइंट आ रहा है वो, और 4 × 6 सेकेंड पॉइंट 4 प्लस 28 आंसर आ रहा है, उसके बाद 2 × 4 और 4 × 2, तो यहाँ पर 16 आंसर आ रहा है, और फाइनल यहाँ पर मुझे 12 पॉइंट मिला था, तो 2 × 12 प्लस 4 × 0 24। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मीन, मीन्स यहाँ पर मुझे मिनिमम कौन सी वैल्यू मिल रही है, तो मुझे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है 16। तो यही आपका आंसर हुआ, मीन जेड
क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम है, तो मिनिमम वैल्यू है 16, देयरफॉर मीन जेड इज इक्वल टू 16, और ये मिनिमम वैल्यू हमें कौन से दो पॉइंट दे रहे हैं, 4, 2, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 60 एट पॉइंट 4, 2, ये हुआ आपका फाइनल आंसर। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको और भी ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।